बड़ी खबर से खबर है पंजाब के सियासी गलियारों से कि पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। जी हां, सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है कि सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पंजाब में दो डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। ये लगातार सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है कि एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से भी होगा। चरणजीत सिंह चन्नी, राजकुमार वीर का रेस में शामिल और सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम की रेस में, ये खबर मिल रही है लगातार पंजाब से कि आज जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था उसी के बाद नए सीएम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर खासतौर पर पंजाब के सियासी गलियारों से। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं। मोहित का रुख करते हैं और मोहित से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से फॉर्मूला तय किया गया है। मोहित मेरा सवाल आपसे यह था कि खास तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एक जो खबर आपकी बता रही है कि एक सीएम होंगे और दो डिप्टी सीएम होंगे, इसका फॉर्मूले का लाने का मकसद क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उनको भी ध्यान में रखा गया है। सुनील जाखड़ हिंदू चेहरा है और राहुल गांधी के काफी करीबी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की भी गुड बुक्स में है, क्योंकि अब किसी भी तरह से कांग्रेस नहीं चाहती है कि पंजाब में फिर एक बार कोई टकराव देखने को मिले, किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम पद पर बिठा दिया जाए जिसकी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जिसका तालमेल ना बैठे। इसी वजह से सुनील जाखड़ को चुना गया है और साथ ही दो डिप्टी सीएम रखे जाएंगे, एक दलित समुदाय से होगा और दलित समुदाय पंजाब में 33% के आसपास एक बड़ा वोट बैंक है, तो दलित समुदाय से एक डिप्टी सीएम रखा जाएगा जिसमें दो नाम अभी आगे चल रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी और राजकुमार वेरका। और इसके अलावा एक सिख समुदाय को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब में सरकार बनानी है एक बार फिर से कांग्रेस ने, तो इसी वजह से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सबसे ज्यादा बगावती सुर अपनाए हुए थे, पूर्व की जो कैप्टन सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, उनका नाम सिख समुदाय से आगे चल रहा है और फिलहाल ये एक फॉर्मूला तय किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी सीएम बनाया जाएगा वो 2022 में पार्टी का फिर से सीएम चेहरा नहीं बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आपने सब अपडेट हम तक पहुंचाया। मोहित बता रहे थे कि कैसे कि अब कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहती कि कोई टकराव हो, इसी वजह से एक सीएम होगा और दो डिप्टी सीएम और खासतौर पर दलित समुदाय का एक डिप्टी सीएम रखा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो खासतौर पर एक बड़ी जो पॉपुलेशन है वो दलित की भी है पंजाब में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।